बच्चों एंड वेलकम टू एडोमोटो आई एम डॉक्टर हर्षिता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर चैप्टर ऑफ योर बुक और इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस हम क्या पढ़ेंगे आज लाइफ प्रोसेस के बारे में सो बेसिकली व्हाट आर लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं तो लाइफ प्रोसेस आर दी बेसिक फंक्शंस

ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स वी ह्यूमल्स वी मूव हम मूव करते हैं हम रिप्रोड्यूस करते हैं वी आर सेंसिटिव न्यूट्रिशन वी टेक अ फूड हम क्या करते हैं हम एक्सक्रीट करते हैं हम ब्रीथ करते, करते हैं और वी ग्रो हम ग्रो करते हैं सो so, बच्चों समझ में है आपको सो so, अब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस होता है सो लिविंग थिंग क्या होता है मूवमेंट करता है बॉडी का मॉलिक्यूल्स का सेल्स का और हाउ लॉन्ड लिविंग थिंग मूवमेंट करता है नहीं करता है और मूवमेंट करता भी होगा तो दे आर नॉट ए लाइफ नेक्स्ट दिस न्यूट्रिशन हम न्यूट्रिशन लेते हैं हम खाना खाते हैं हम एक्स उस खाने को जो अनवांटेड हमारा वेस्ट होता है उसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं हम रिमूव कर देते हैं हमारा ग्रोथ होता है और हम ब्रीथ करते हैं हम रेस्पायर करते हैं और हम रिप्रोड्यूस करते हैं और हम सेंसिटिव होते हैं पर ये सब लिविंग थिंग्स तो होते हैं पर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स कोई एक्सक्रीशन नहीं करते हैं कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है हमको वो रिस्पायर नहीं करते वो सांस नहीं ले पाते हमारी तरह वो ब्रीद नहीं करते हैं और वो सेंसिटिव नहीं होते हैं और वो रिप्रो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं बच्चों समझ में आए आपको वॉट इज लिविंग थिंग इमेजिन दैट यू आर स्पेस ट्रेवलर हु लैंड ऑन एन अनोन प्लानट आप इमेजिन करो आप एक एस्ट्रोनॉट हो एंड यू लैंड ऑन एन अनोन प्लैनट सो हाउड डिटमाइन इफ वॉट यूर लुकिंग इज अन करो आप कैसे डिसाइड करोगे दैट यू आर लुकिंग फॉर अ रॉक या फिर विद ब्लेड ऑफ ग्रास इन दोनों में से अलाइव क्या है आप पता कर पाओगे आप नहीं पता कर पाओगे सो वॉट आर द लाइफ प्रोसेसिस हमारे लाइफ में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो पढ़ते हैं हम सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है intake, intake, क्या होता है न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है जो फूड हम लेते हैं उससे हम एनर्जी ऑप्टेन करते हैं एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में ले जाना वो क्या होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन और क्या हो गया फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सो समझ में आया बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है जो कि हम फूड खाते हैं उसका यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे हम रेस्पिरेशन नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होता है एक्सक्रीशन का सिंपल डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट जो हमारी बॉडी को अनवांटेड लगता है उसको रिमूव कर देते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन नेक्स्ट इज सिंथेसिस अब सिंथेसिस क्या होता है बच्चों सिंपलर सब्सटेंस होते हैं सिंपलर कंपाउंड होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं उसे, है, उसे, है, उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं हम सिंथेसिस फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस वो क्या होता है हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है सो एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ अब ग्रोथ क्या होता है बच्चों जब हम छोटे होते हैं से हम बड़े होते हैं तो क्या होता है बॉडी के अंदर सेल की साइज इंक्रीज होती है और सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है ये ग्रोथ होता है और इस किस में आते हैं ये सारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं इससे क्या डिटरमाइन होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम लिविंग बीइंग्स हैं नेक्स्ट इज रेगुलेशन अब रेगुलेशन क्या होता है कंट्रोल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है इस वेरियस एक्टिविटीज उसे क्या बोलेंगे हम वेरियस एक्टिविटीज उसे बोलेंगे हम रेगुलेशन अब रिप्रोडक्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन इज जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है उसे क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं सो so, बच्चों आपको समझ में है व्हाट आर दी लाइफ प्रोसेस फर्स्ट इज न्यूट्रिशन अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में सो इंक्लूड न्यूट्रिशन इंक्लूड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इंजेशन डाइजेशन एंड इजेशन क्या होता है इसमें न्यूट्रिशन में होता है इंजेशन डाइजेशन एंड इजेशन एग्जाम्पल आपने कुछ फूड खाया उसे क्या, उसे क्या, खाने को क्या बोलते हैं उस को बोलते हैं हम ब्रेक डाउन हुआ उसे क्या बोलेंगे हम डाइजेशन नेक्स्ट इज इजेशन जो रिमूवल कहते हैं उसे बोलते हैं हम इजेशन रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड जम्स ग्रो अब हम पढ़ते हैं हाउ ऑर्गेनिजम्स ग्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू ग्रो दे नीड एनर्जी फॉर लिविंग एंड ग्रोथ अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होता है दिस इज अकम्पलिस्ट बाय ब्रेकिंग डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी अब जब हम फूट खाते हैं उसका ब्रेकडाउन को उससे क्या मिलता है हमको एनर्जी मिलती है फूड के ब्रेकडाउन से क्या मिलता है हमको एनर्जी मिलती है नेक्स्ट इज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन ऑप्टेनिंग एनर्जी बाई ब्रेकिंग डाउन कार्बन बेस्डाउंड कम्पाउंड अब जो लाइफ ऑन अर्थ जो हमारी लाइफ होती है उसे कैसे एनर्जी मिलती है हमको कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए फैट्स हो गए प्रोटीन्स हो गए उसका ब्रेक डाउन में हमें क्या मिलेगा एनर्जी मिलेगी और वो क्या काम आएगी ग्रोथ के काम आएगी फॉर लिविंग के काम आएगी हमारे सो so, अब जो फैट्स हो गए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए प्रोटीन्स हो गए उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें मिलता है एनर्जी क्या मिलता है बच्चों एनर्जी मिलती है अब हमको एनर्जी चाहिए क्यों होती है तो हम ये पढ़ते हैं सो मोलिकुलर मूवमेंट इन साइड आर सेल्स हमें मोलिकुलर मूवमेंट्स कराने के लिए अपने सेल्स के अंदर उसे हमें क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होती है टू मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर अब हमारे बॉडी में जो लिविंग स्ट्रक्चर जैसे सेल्स हो गए सेल से हम कंबाइन करके क्या बनता है टिश्यू हो गए टिश्यू से कंबाइन करके ऑर्गन बनता है ऑर्गन से कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनता है वो सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होती है नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ बॉडी बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होती है लास्ट इज टू रन सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन साइड सेल्स अब सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होती है केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर सेल अब हम पढ़ते हैं कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे सेल्स के अंदर सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इनसाइड सेल्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोस और फैटी एसिड और अमीनो एसिड अब बच्चों अच्छा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है वो सबसे कॉमन रिएक्शन होता है जो कि हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं और ये क्या करते हैं ये करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ किसका ब्रेकडाउन करेंगे ग्लूकोस का और अमाइनो एसिड्स का और फैटी एसिड्स का करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे कौन करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेगा और सेल्स करते हैं ये। ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम यूज ऑक्सीजन टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सो दे आर कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो क्या यूज करते हैं सेल्स यूज करते हैं ऑक्सीडे ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और उस रिएक्शन में क्या होता है उस में हमको देखने को मिलता है सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ये क्या होता है सेल्स क्या यूज करते हैं ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और वो क्या करता है वो ब्रेक डाउन करता है किसका ग्लूकोस का फैटी एसिड का या अमीनो एसिड्स का सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अब ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट दिस यूनिसेल ऑर्गेनिज्म पहला हम पढ़ेंगे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के बारे में और यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल से बना होता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स लिव विद वन सेल क्या बच्चों सिर्फ एक सेल से बना होता है उसे तो क्या बोलते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विद इट सिंगल सेल अब ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस जो हमने पहले पढ़े थे न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ग्रोथ कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये क्या सिर्फ एक सेल परफॉर्म करता है सिर्फ सिंगल सेल परफॉर्म करता है दे दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम फॉर टेकिंग इन फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन ऑर्गन सिस्टम नहीं रहता है जो कि रिमूवल कर सके वेस्ट का एक्सचेंज कर सके गैसेस का या फिर टेकिंग फूड टेक कर सके फूड को इनगल्व कर सके वो सिर्फ एक सेल करता है तो क्या बोलते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट अब जो इंटायर सर्फिस होता है ऑर्गेनिज्म का वो एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमीबा अभी अमीबा रहता है लेट मी शो अ डायग्राम ये अमीबा है वो पूरे इसका जो सरफेस होता है वो पूरे कॉन्टैक्ट में रहता है विद इट एनवायरनमेंट। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस टू मीट सम ऑफ लाइफ प्रोसेस तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा क्या करते हैं सिंपल डिफ्यूजन करते हैं क्या करते हैं बच्चों सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं टू मीट सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस क्या करते हैं सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं और इनका सारा का सारा जो सेल होता है जो सरफेस एरिया रहता है वो क्या रहता है इट्स इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट अब बच्चा आपको दिख रहा है ये अमीबा है और अमीबा क्या है ये इसका कोई शेप नहीं रहता है सो और शेप क्यों नहीं रहता है क्योंकि इसकी फॉल्स फीट रहती है आपको दिख रहे हैं इसके पैर और फॉल्स फीट को, क्या, स्वीट को बोलते क्या बोलते हैं हम फॉल्स फीट को बोलते हैं हम सुडोपोडिया क्या बोलते हैं हम सुडोपोडिया बोलते हैं सो बच्चों अब देखते हैं हम इस डायग्राम में जो अमीबा है और ये जो फूड पार्टिकल है इसे कैसे अप्रोच करता है अमीबा ये जो फूड पार्टिकल है इसके अराउंड आता है ये अमीबा फॉर्मिंग सूडोपोडिया सूडोपोडिया क्या रहता है फॉल्स पीट रहता है और ये क्या बना लेता है फूड पार्टिकल के अराउंड फूड uh, वैक्यूल बना लेता है वो क्या करता है एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को फूड पार्टिकल के अराउंड क्या बना लेता है एक एक बना बना लेता है, एक food vacuole बना लेता है है फूड तो फूड वैक्यूल कंटेनिंग फूड पार्टिकल इन दिस साइटोप्लाज्म और ये जो फूड जो फूड वैक्यूल होता है उसमें क्या होता है फूड पार्टिकल आ जाता है तो so, इससे क्या करता है ऐसे ये न्यूट्रिशन लेता है सो so, आप देख सकते हैं इसमें ये जो फूड पार्टिकल है और ये जो न्यूक्लियस है ये इसका अमीबा का न्यूक्लियस है और जो फूड पार्टिकल इस बाजू में है तो फूड पार्टिकल क्या करेगा सूडोपोडिया इसको एनगल्फ कर लेगा और क्या बना लेगा एक फूड वैक्यूल बना लेगा और इससे क्या होगा न्यूट्रिशन होगा ऐसे क्या होता है अमीबा का न्यूट्रिशन होता है सो so, अब हम पढ़ते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में सो मल्टी सेल दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल रहते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म टू फॉर्म अ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म दी सेल नीड टू आइडेंटिफाई एंड अटैच टू दी अदर सेल्स अब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनने के लिए एक सेल को क्या करना रहता है आइडेंटिफाई करना रहता है और अटैच होना रहता है दूसरे सेल पे तो क्या बनते हैं ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्मी क्या रहते हैं एक से ज़्यादा सेल्स रहते हैं So, बच्चों अब हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो एक एटम atom, एटम करेंगे तो क्या होगा को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा या फिर कंपाउंड बनेगा फिर क्या बनेगा मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एक ऑर्गेनल बनेगा क्या बनेगा एक सेल ऑर्गेनल फिर अगर सेल ऑर्गेनल से कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है सेल बनता है क्या बनता है बच्चों एक सेल बनता है और सेल को कंबाइन करते हैं मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनता है टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन और, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है और, सिस्टम। और ग्रुप ऑफ से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बच्चों समझ में आया आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब हम पढ़ते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में कंटिन्यू करते हैं अब हम ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट हमारी बॉडी में एनिमल सेल की बॉडी में एनिमल बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट एंड विल नॉट बीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स अब जो सेल्स हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरमेंट के तो फिर क्या होगा हम सिंपल डिफ्यूजन परफॉर्म नहीं कर सकते वो इन सफिशियंट होता है एंड इट विल नॉट मीट दिक्वायरमेंट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल वो सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल कर सकता है अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन और फूड के बारे में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो फूड हम लेते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं तो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड एंड एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिय ट्रांसपोर्ट अब जो फूड हम लेते हैं वो क्या होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है और कैसे करता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और क्या करता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको फिर क्या करेगा सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ऑटो को हमारे ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनहेल करने में और क्या करता है ये O2 जो ऑक्सीजन होता है वो सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है फिर क्या होता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फिर नीड बोथ टू तो परफॉर्म बायोकेमिकल एक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी अब जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको फूड भी चाहिए होता है हमको एनर्जी भी चाहिए होती है हमको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है किस लिए टू प्रोड्यूस एनर्जी और फिर क्या होता है जो भी अनवॉन्टेड वेस्ट होता है उसका रिमूवल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं हम एक्सक्रीशन क्या बोलते हैं बच्चों एक्सक्रीशन बोलते हैं नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज साइंस दैट स्टडीज हाउ बॉडी मेक्स यूज ऑफ फूड न्यूट्रिशन क्या होता है इट इज साइंस दैट स्टडीज द बॉडी हाउ बॉडी मेक्स फूड हाउ बॉडी मेक्स यूज ऑफ फूड और डाइट क्या रहता है डाइट इज एवरी यू ईट एंड ड्रिंक जो हम खाते हैं और जो हम पीते हैं उसे क्या बोलते हैं डाइट न्यूट्रिएंट्स और आर सब्सटेंसेस इन द फूड जो फूड में सब्सटेंस रहते हैं फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है फैट हो गया प्रोटीन हो गया विटामिन हो गए और मिनरल्स हो गए ये सब हम क्या लेते हैं फूड में लेते हैं और ये क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेक्स्ट इज हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड अब लिविंग थिंग्स कैसे अपना फूड लेते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और बैक्टीरिया रहते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस दे यूज रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल अब जो बच्चों क्या होता है वो क्या करते हैं वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वाटर लेते हैं और दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो क्या प्रोड्यूस करता है अपना खाना वो क्या होता है ग्लूकोस एंड ओ टू एज बाय प्रोडक्ट रहता है सो so ये क्या करते हैं प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया क्या करते हैं अपना फूड बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोस वॉट इज एन ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ क्या होता है अब एन ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी अब ऑर्गेनिज्म वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुद का फूड बना सकता है किससे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल से फॉर एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये इनऑर्गेनिक होता है वाटर हो गया ये सारे क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स और कौन होते हैं ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों ऑटोट्रॉप्स दे के टेक इन लाइट एंड कन्वर्ट दिस इनटू फूड और एनर्जी वो लाइट लेते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं फूड में और एनर्जी में एग्जांपल प्लांट्स हो गए बैक्टीरिया हो गए एल्गी हो गए ये सारे के सारे क्या करते हैं ये सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड वॉट इज हेट्रोट्रॉप अब ऑटोट्रॉप के बारे में तो आपने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉप के बारे में एन ऑर्गेनिज्म दैट मस्ट इनजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट एनर्जी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं इन करते हैं ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इन ऑर्डर क्रिएट एनर्जी दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स अब ये ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए फॉर एग्जाम्पल हेट्रोड्रॉप का एग्जाम्पल क्या है बच्चों ह्यूमंस एनिमल्स हम सब क्या होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और हम क्या करते हैं हम एक बायो कैटलिस्ट यूज करते हैं एंजाइम्स एंजाइम्स क्या रहते हैं छोटे छोटे प्रोटीन ये क्या होते हैं हम एंजाइम्स का यूज करते हैं किस लिए फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टू क्रिएट एनर्जी हम एंजाइम्स का यूज क्यों करते हैं किस लिए करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए दे डू दिस थ्रू डाइजेशन अदर एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स अब हम सबको क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होता है चाहे वो ऑटोट्रॉफ हो या हेट्रोट्रॉफ हो ऑटोट्रॉप कैसे करते हैं अपनी एनर्जी वो खुद का खाना खुद बनाते हैं और हम क्या करते हैं एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हम ह्यूमंस है हम क्या करते हैं हम इंजेस्ट करते, है? करते, है, करते हैं क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं हम इंजेस्ट करते हैं उसे क्या होता है हमको क्या मिलता है एनर्जी मिलती है ऑटोट्रॉप वर्सेज हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप फिक्स देयर ओन एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑटोट्रॉप क्या करते हैं खुद की एनर्जी लेते हैं किससे इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स इन एन सोर्स ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर क्या होते हैं बच्चों प्लांट्स क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं हेड्रोट्रॉप क्या होते हैं डिपेंड ऑन एनर्जी एंड कार्बन अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं क्या होते हैं बच्चों वो किस पे डिपेंड करते हैं एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और कार्बन फिक्स्ड एंड कार्बन सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीनस फैट्स और क्या होते हैं बाकी अदर ऑर्गेनिजम पे भी डिपेंड करते हैं दे आर कंज्यूमर्स क्या बोलते हैं हम को कंज्यूमर्स बोलते हैं डेट्रियोवर्स एंड डीकम्पोजर्स क्या होते हैं हेट्रोट्रॉप कंज्यूमर्स होते हैं डीकम्पोजर होते हैं लाइक ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेट्रियोवर्स होते हैं मिक्सोट्रॉफ इज इट गेट्स इट एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सिस बट क्या होता है ये तो अलग चीज हो गई मिक्सोट्रॉफ क्या होता है ये अपनी एनर्जी किससे लेता है इनऑर्गेनिक सब सोर्सेस से इनऑर्गेनिक से और क्या करता है ऑर्गेनिक सोर्स पे डिपेंडेंट रहता है फॉर कार्बन अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में फोटोसिंथेसिस बच्चों किसमें होता है प्लांट्स में होता है और प्लांट्स के लीव्स में होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन लीव्स आपने देखी हैं और वो ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल क्या करता है सन से एनर्जी लेता है ट्रैप करता है लाइट को लाइट एनर्जी ट्रैप करता है टू मेक फूड फिर क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेगा किस लिए ना फूड बनाने के लिए फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है

प्लांट्स लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी दैट इज योर सन लाइट और क्या देता है क्या बाय प्रोडक्ट निकालते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट सो बच्चों समझ में आए आपको <laughs>